पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बेरोजगार युवाओं के समर्थन में नंगे पांव पदयात्रा निकाली। डिस्पेंसरी रोड से राजीव गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर हरीश रावत ने इस पदयात्रा की शुरुआत की। इस दौरान तमाम बेरोजगार युवा भी हरीश रावत की पदयात्रा में शामिल हुए। विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारी भी हरीश रावत के साथ मौजूद रहे। तो वहीं वन दरोगा भर्ती को लेकर आंदोलन कर रहे तमाम युवा भी पूर्व मुख्यमंत्री के साथ कदम ताल करते हुए नजर आए। डिस्पेंसरी रोड से गांधी पार्क तक सभी मूर्तियों पर हरीश रावत ने माल्यार्पण किया। इस दौरान सबसे पहले राजीव गांधी, उसके बाद इंद्रमणि बडोनी, फिर भीमराव अंबेडकर, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, उसके बाद हेमंती नंदन बहुगुणा की मूर्ति पर भी माल्यार्पण किया गया। हरीश रावत ने अपनी पदयात्रा का समापन गांधी पार्क में गांधी जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर किया। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पदयात्रा बेरोजगार युवाओं के समर्थन में थी, ताकि सरकार युवाओं के रोजगार छीनने की बजाय रोजगार देने का काम करे। देहरादून से राजेश डोबरियाल की रिपोर्ट। ये राज्य के उन सब संघर्षशील मेरी ये पद यात्रा जो नंगे पांव कर रहा हूँ, ये उन बेरोजगार लड़के लड़कियाँ जिन जो जिंदगी के प्रत्येक दिन जिनके लिए बहुत ही कष्टपूर्ण होते जा रहे हैं, जिनको सरकार भटका रही है, जिनको कोई रास्ता दिखाने के बजाय उनको नाना प्रकार से सताया जा रहा है, जितनी नौकरियां दी नहीं जा रही हैं उससे ज़्यादा लोगों को नौकरी से बाहर किया जा रहा है, और भी बहुत सारे ऐसे कदम हैं जिन कदमों से दुखी होकर के मैं और कुछ नहीं कर सकता। मेरे पास न ताकत है, न कोई बड़ा ऐसा पद है जिसका कोई संवैधानिक मूल्य हो, लेकिन मेरे पास जो है भावनाएं हैं। इस राज्य के लोगों ने मुझको अपना मुख्यमंत्री तक बनाया, और आज इस बढ़ती हुई बेरोजगारी से चिंतित व भूतपूर्व मुख्यमंत्री अपने बेरोजगार नौजवानों को इस पदयात्रा को समर्पित करता है। मैं उन नौजवानों के लिए, उनके कष्ट के लिए ये पदयात्रा।